एक गांव में एक बकरी रहती थी और उसके 3 बच्चे थे और गांव के पास ही बहुत ही बड़ा घना जंगल था और बकरी को हमेशा डर लगता था कि कहीं उसके बच्चे को कोई जानवर ना खा जाए, क्योंकि उस जंगल में बहुत सारे खतरनाक जानवर थे जिस कारण वह बकरी अपने बच्चों को हमेशा अपने साथ ही रखती थी कि जिससे उन बच्चों की वह रखवाली कर सके। एक दिन वह बकरी ऐसे ही घास चरने के लिए कहीं गई थी और उसका एक छोटा सा बच्चा 2 हिरण की बातें सुन लेता है। वह हिरण दोनों आपस में ही बातें कर रहे होते हैं कि पास में जंगल है और जंगल में बहुत ही हरी हरी घासें हैं, खाने में वह घासें बहुत ही स्वादिष्ट है। यह बात सुन बकरी का बच्चा सोचता है, क्यों ना मैं भी जंगल में जाऊं और वह हरी हरी घास का स्वाद लूं। यह सोच वह जंगल की ओर चल देता है और जाते जाते वह घने जंगल में बीचों बीच पहुंच जाता है और वहां उसे 4 कुत्ते जंगली रहते हैं वो घेर लेते हैं और वह चारों आपस में बातें करते हैं कि अरे वाह, बहुत ही नरम हमको आज खाने को मांस मिलेगा और इसे खाकर तो बहुत ही मजा आ जाएगा। यही वह चारों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी मेमना डर जाता है। बकरी का बच्चा सोचता है, अब मैं क्या करूं? और वह लोग कुत्ते जंगली जैसे ही मेमने के तरफ खाने के लिए आगे बढ़े तभी वहां बकरी आ जाती है और उन लोग को आगे बढ़ता देख वह डर जाती है कि अब मेरे बच्चे को ये लोग खा जाएंगे, अब मैं क्या करूं। तब वह क्या करती है कि उन लोग को बोलती है, अरे वाह, तुम तो खुद ब खुद शिकार बनने आ गए। वह जंगली कुत्ते बोलते हैं, कैसे? बोलते हैं कि यह तो मेरी ही योजना थी, शेर ने कहा था कि तुम अपने बच्चे को सामने रखना जिससे कि जो भी उसके तरफ शिकार करने आए तो मैं उसका शिकार कर दूं और तुम अपना बच्चा लेकर चली जाना, इसीलिए मैंने खुद अपने बच्चे को यहाँ शिकारी ढूंढने के लिए रखा था और तुम चारों यहाँ शिकार बनकर आ गए। तब वह कुत्ते बोलते हैं कि अरे तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, जब हम इसे खा ही जाएंगे तो शेर को कैसे पता चलेगा कि हमने इसे खाया है। तभी वहाँ एक गाय खड़ी रहती है और गाय को दिखाकर बोलती है बकरी कि वह देखो गाय खड़ी है। तभी वह लोग डर जाते हैं कि अरे इस मेमने को खाने से अच्छा हम अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाते हैं, बल्कि हमें खाने के लिए कोई और शिकार मिल जाएगा, हम अपना शिकार शेर से नहीं करवा सकते। और बकरी अपने बच्चे को बचा लेती है और वह लोग डर बस वहाँ से भाग जाते हैं और उन्हें भागता देख बकरी भी अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भाग जाती है। चालाकी से बकरी ने अपने बच्चे की जान बचा ली। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ।